मिठाई देखकर आप लोगों को खाने का मन कर रहा होगा। तो आज हम बनाएंगे आगरा की फेमस मिठाई और ये मिठाई आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। कविताज मैजिकल किचन में आपका स्वागत। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। तरबूज खाना ज्यादातर सभी को पसंद होता है, लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि तरबूज खाने के बाद जो उनके छिलके होते हैं हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन आज उन छिलकों को लेकर ही हम बहुत ही स्पेशल मिठाई बनाएंगे घर में, और बहुत ही आसान तरीके से ये मिठाई बनती है। और ये मिठाई बहुत ही फेमस है आगरा का पान पेठा। ये पान पेठा हर जगह नहीं मिलता है, ये आगरे का फेमस है। जो वाटरमेलन के हमारे टुकड़े बच जाते हैं उनको लिया है और उसके ऊपर जो थोड़ा थोड़ा सा वाटरमेलन ये रेड कलर का रह जाता है उसको हम नाइफ या किसी भी चम्मच की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से रेड पोर्शन हमने इसका निकाल लिया है। अब इसके पीछे के जो छिलके होते हैं उसको हमें निकालना है। बहुत ही आसानी से ये छिलका निकल जाता है। इस तरह से हमने सभी छिलकों के ऊपर जो रेड पोर्शन था वो निकाल दिया है और पीछे से जो इसका ग्रीन छिलका था वो निकाल दिया है। तो ये जो इसका लाइट ग्रीन या येलोइश जो पार्ट है हमें ये चाहिए। इसी को लेकर आज हम एकदम फेमस मिठाई बनाएंगे। तो शुरू करते हैं मिठाई बनाना। एक कटोरी चीनी लेंगे, उस बड़े बर्तन में हम चीनी डालेंगे जिससे अच्छे से हम शुगर सिरप रेडी कर सकें, और 1.5 कप पानी डालेंगे। चीनी हमने 1 कप ली है तो पानी हम 1.5 कप लेंगे। चीनी मेल्ट हो गई है, अब जो हमने ये तरबूज के छिलके लिए थे इस तरह से पीसे वो हम इसमें डालेंगे और इनको अच्छे से जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसको इसमें अच्छे से बॉईल होने देंगे। जैसा कि हम आगरा की फेमस मिठाई बना रहे हैं और वो फेमस जो मिठाई है उसका कलर ग्रीन होता है, तो हम फूड कलर यूज करेंगे। यहाँ पे चुटकी भर ये इस तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। ये देखिए ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा हम इसको टच करके देखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इसी तरह से हमें पकाना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। और जब शुगर सिरप हम बना रहे थे उसी टाइम पे हमने फूड कलर डाल दिया था तो बहुत अच्छा ग्रीन कलर आया है। बहुत ही अच्छा एकदम डार्क ग्रीन हो गए हैं ये। और ध्यान रखें जो हम ये पीसेस काटेंगे छिलकों के ये हमारे ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, पतले होने चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर ये मोटे रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा सॉफ्ट होने में। तो इसे हम 1-2 मिनट तक और गैस पर रखेंगे, अच्छे से जो इसका शुगर सिरप है बहुत अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। और थोड़ा फ्रेग्रेंस के लिए हम इसमें कुछ ड्रॉप्स इसकी केवड़ा की डालेंगे, और अगर आप इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम 1-2 मिनट तक और पकाएंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हम इसी बर्तन में रखे रहने देंगे शुगर सिरप और कलर के साथ, जिससे कि जो कलर है वो और अच्छा निकल कर आए। और जब ये पूरा सिरप ठंडा हो जाएगा और ये पीसेस ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हमें जो चाशनी बनाई है हमने उसमें से बाहर निकालेंगे। पूरी तरह से शुगर सिरप ठंडा हो गया है, पीसेस भी ठंडे हो गए हैं, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको हम जो शुगर सिरप है इसमें से बाहर निकाल के अलग से प्लेट में रख देंगे और इनको थोड़ी 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से। और ये जो हमारा शुगर सिरप है इसे हमें फेंकना नहीं है, जब भी हम शरबत बनाएंगे तो हम इसे अपने यूज़ में ले सकते हैं। फिलिंग रेडी कर लेते हैं, उसके लिए लिया है हमने 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर, वो ऐड करेंगे। अभी गैस की फ्लेम ऑन नहीं करी है क्योंकि हमारा जो मिल्क पाउडर है उसको हम मिक्स करेंगे तो उसमें लम्स ना पड़ जाए, तो गैस की फ्लेम हम बाद में ऑन करेंगे, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर और ये 1/2 कटोरी हमने दूध लिया है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे जिससे बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और जो थोड़ा दूध बचा था वो भी हम डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। और गैस की फ्लेम को हमने ऑन नहीं किया है तो देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, इसमें हम 2 स्पून चीनी डालेंगे जिससे मिठास अच्छे से बनी रहे। इसको लगातार चलाते जाएंगे जिससे ये तलवे से लगे ना। कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने बारीक काट लिया है जिसमें बादाम, पिस्ता और इलायची पाउडर, इनको इसमें मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और लगातार इसको
सूखने तक, जब तक ये मावा ना बन जाए तब तक हमें इसको ऐसे ही चलाना है। कढ़ाई से ये ऐसे निकलने लगा है तो इसका मतलब हमारा मावा रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारा मावा ठंडा होने का हम वेट करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम फिलिंग करेंगे। इसको हमने नीचे टिश्यू पेपर बिछा कर 5 मिनट के लिए रख दिया था, जिससे जो भी एक्सेस इसमें शुगर सिरप था वो सोक हो जाए और हमारा मावा भी रेडी है फिलिंग के लिए। तो हम लेंगे एक पीस, ये देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है। जो हमने होममेड मावा बनाया है वो हम इसको इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि ये पूरा इस तरह से पान की शेप में आ जाए। अगर आप लोगों ने आगरा का पान पेठा खाया हो तो पूरा इसी तरह की शेप में होता है और बहुत फेमस होता है वहाँ का। अब मैंने ली है लौंग। लौंग से क्या है, इसको मैं अच्छे से इस तरह से कर दूंगी तो ये खुलेगा नहीं। ये देखिए लौंग से इसको अच्छे से प्रेस करके इसको ऐसे सेट कर दिया है और ये पूरा पान पेठा की शेप में रेडी है। अगर आपसे आसानी से लौंग अंदर ना जाए इसमें तो आप टूथपिक की सहायता से थोड़ा सा होल कर लें पहले और फिर लौंग आसानी से चली जाएगी। ये देखिए हमारी एकदम फेमस मिठाई कितने आसान तरीके से हमने घर में आज रेडी कर ली है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। इसी तरह से बाकी के जो हमारे पीसीज हैं सभी को हम रेडी करेंगे। इसी तरीके से बनाई आसान मिठाई वो भी घर में।